मेक आवर लाइफ ए मीनिंगफुल वन वी नीड टू माइंड आवर थॉट्स। लाइन पर ध्यान दो, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना है। फिर से बता दूं, ये बात आपको पहले बताई गई है, शाब्दिक नहीं, हमको इसके भावात्मक अर्थ समझने, यानी भाव समझना है कि इसमें राइटर की इच्छा क्या है। वैसे इसके पहले आप ये जान चुके हैं कि किसी भी पैसेज को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल। पहला क्वेश्चन यही है कि हम अपने जीवन को कैसे अर्थपूर्ण बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज कृष्णा से नो मैन रेस्टेथ ए मोमेंट इनएक्टिव। कोई भी आदमी एक भी क्षण निष्क्रिय नहीं रह सकता है या नहीं रहता है, ऐसा कृष्णा ने कहा। इसका मतलब कोई कृष्णा एक कैरेक्टर आया है इस पैसेज में जो कुछ कह रहा है। हाउ डू आवर थॉट्स एफेक्ट द होल बॉडी, कैसे हमारे विचार हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। बात यही हो रही है, यानी कुल घुमा फिरा के बात कहाँ चल रही है, थॉट पर। थॉट ही आ रहा है ना हर जगह, यानी अब टाइटल की ओर संकेत कर रहा है कि हमारी जो बात होने वाली है वो कहाँ होगी, थॉट पर ही होगी, विचारों पर। हाउ कैन वी चेंज आवर मूड व्हेन वी आर डिप्रेस्ड, हम अपने मूड को कैसे बदल सकते हैं जब हम डिप्रेस्ड हों, डिप्रेस्ड यानी तनाव में हों। हाउ कैन वी ब्रिंग अबाउट द डिजायर इफेक्ट, हम कैसे अपने इच्छाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड इफेक्ट, इच्छित प्रभाव को कैसे हम पा सकते हैं, ला सकते हैं। जो हमारी डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या है, यानी जो भी प्रभाव हम चाहते हैं वो प्रभाव कैसे ला सकते हैं। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग, यानी उन शब्दों को ढूंढिए जो इसका समान अर्थ देते हैं। फुल ऑफ एक्टिविटी आया होगा कोई वर्ड, अभी पढ़ेंगे हम। कमिंग अगेन एंड अगेन, बार बार कोई किसी चीज के आने के लिए, या टू लुक इन टू वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। टू लुक इन टू माने जांच पड़ताल करना, लुक इन टू यानी जांच पड़ताल करना, ये फ्रेज है ना। टू लुक इन टू वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपने विचारों और भावनाओं की जांच पड़ताल करना, इससे रिलेटेड कोई वर्ड आया है जिसको हमको लिखना है, ठीक है। अब देखिए हम पैसेज की ओर चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन दिमाग में रखते हुए पैसेज पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर के इन ये क्वेश्चन पढ़ने मात्र से एक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया कि अब जो बात होने वाली है वो किसकी है, थॉट से रिलेटेड है, ठीक है। इसीलिए पहली ही लाइन में लिखा है, टू मेक आवर थॉट आवर लाइफ ए मीनिंगफुल वन वी नीड टू माइंड आवर थॉट्स, यानी हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें। माइंड यानी ध्यान देना, माइंड एक वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, टू माइंड, ठीक है। कहते नहीं माइंड योर लैंग्वेज, क्या है माइंड माने ध्यान दो, ठीक है। और मेंड MENDी मेंड माने सुधार करो, ठीक है। तो ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया वर्ड है, वी नीड टू माइंड आवर थॉट्स, यानी हमें अपने विचारों को ध्यान देने की जरूरत है। फार, क्योंकि, फार कंपाउंड सेंटेंस, आवर थॉट्स आर द फाउंडेशन, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो फाउंडेशन है। फाउंडेशन माने न्यू, आधार। द इंस्पायरेशन, ये हमारे लिए प्रेरणा है। एंड द मोटिवेटिंग पावर ऑफ आवर डीड्स, और हमारे कार्यों के लिए मोटिवेटिंग पावर है। मोटिवेटिंग माने प्रेरणादायक, हमारे कार्यों के लिए प्रेरणादायक शक्ति है ये। वी क्रिएट आवर इंटायर वर्ल्ड बाय द वे वी थिंक, हम अपना पूरा संसार क्रिएट करते हैं। क्रिएट करना यानी उत्पन्न करना, बनाना, रचना करना। हम अपने संसार को, अपने संसार को, यानी हम अपना संसार खुद बनाते हैं। बाई द वे वी थिंक, कैसा, जैसा हम सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं उसी तरह की दुनिया हमारे इर्द गिर्द तैयार होती है। भाई यहाँ रहने वाला इस दुनिया को अपने अपने हिसाब से समझता है,
ना, तो इसका मतलब हो गया कि थॉट जो है वो हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। थॉट्स आर द काजेज एंड कंडीशंस आर द इफेक्ट्स, और विचार जो हैं वही हमारे कारण भी हैं और कंडीशंस हैं, दशाएं हैं, आर द इफेक्ट्स हमारे प्रभावों के, यानी प्रभाव डाल, जो भी प्रभाव मेरे द्वारा पड़ेगा किसी के ऊपर वो किसका परिणाम होगा, वो हमारे थॉट के कारण और कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, आवर सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस आर नॉट द डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड आउटसाइड। हमारी सेकंड पैसेज में चल रहे हैं, ये दूसरा पैसेज है। सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां, और कंडीशंस यानी दशाएं, आर नॉट डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर की दुनिया से जो है वो संचालित नहीं होती। इट इज द वर्ल्ड इनसाइड अस दैट क्रिएट्स द आउटसाइड, बल्कि हमारे अंदर का जो वर्ल्ड इनसाइड है, अब आप समझिए वर्ल्ड क्या है, इनसाइड है, वही तय करता है वर्ल्ड आउटसाइड, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक दुनिया है और वही डिसाइड करती है उसके बाहर की दुनिया कैसी होगी। यानी अब मामला घूम फिर के क्या है कि हमारे थॉट्स अंदर हैं और वो थॉट डिसाइड करेंगे और वो थॉट ही क्रिएट करते हैं इस बाहर की दुनिया को, यानी जिस टाइप का आपका थॉट होगा ये दुनिया आपको वैसी ही मिलेगी। कहाँ आउटसाइड अर्धविराम विराम नहीं है, वो सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन यानी ऊपर का एक फुल स्टॉप और बिंदी, इसको सेमी कॉलन का मार्क कहते हैं। और सेमी कॉलन का मार्क होता है जब दो क्लासेस को हम अलग अलग करते हैं, या दो क्लास बन रहे हो, या दो सेंटेंसेस और में भाई दो सेंटेंस बनाएंगे, दो कंपाउंड या दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, तो दो क्लास इधर दो क्लास इधर, तो उन दोनों क्लासेस के बीच में जैसे हम दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं तो कामा लगाते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं तो कामा लगाते हैं, तीन शब्द का होगा कोई फ्रेज तो क्या करते हैं, दो को कामा से एक को एंड से जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या है कि जब क्लाजेस का ऐसी कंडीशन हो जाए कि तीन चार क्लाजेस साथ में आ गई, तो जो दो क्लाजेज होंगी वो सेमी कॉलन से अलग होंगी और अंतिम वाला एंड से जुड़ जाएगा। बात समझ में आया, ये सेमी कॉलन है। इट इज द वर्ल्ड इनसाइड अस दैट क्रिएट्स द आउटसाइड। सेल्फ अवेयरनेस कम्स फ्रॉम द माइंड विच मीन्स द सोल। अब देखो हमारा थॉट कहाँ से प्रभावित होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चुन लिया गया है, ध्यान देना, ये आप इस पर फोकस करिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हकीकत में आपको अपनी दुनिया से परिचय कराएगा, इसलिए इसको और ध्यान से देखिए। और इसी टाइप के पैसेज परीक्षा में आएंगे भी जिनसे आपको हकीकत की दुनिया से भी परिचय हो, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ से हट के दुनिया है, क्योंकि उसमें आप कौन सा जीवन जीते हैं, केवल मात्र प्रैक्टिकल और एक दिखावटी दुनिया में जीते हैं, जबकि ये क्या है, ये आंतरिक दुनिया, इसमें आप तभी विचरण कर पाएंगे जब आप आत्मचिंतन करेंगे। आत्मचिंतन यानी इंट्रो इंस्पेक्शन, क्या इंट्रो इंस्पेक्शन करेंगे या एक्स्ट्रो इंस्पेक्शन, दो तरह का, बाहरी जो परीक्षण होता है निरीक्षण उसको एक्स्ट्रो इंस्पेक्शन कहते हैं, और इंट्रो इंस्पेक्शन मतलब आंतरिक, यानी आंतरिक आप जब निरीक्षण करेंगे तभी आप इन पे जो है अपने आंतरिक दुनिया का भी भ्रमण कर पाएंगे। वही कह रहा है देखो कि सेल्फ अवेयरनेस कम्स फ्रॉम द माइंड। हमारी जो सेल्फ यानी आत्म अवेयरनेस यानी जागरूकता आती है वह हमारे कहाँ, मस्तिष्क से आती है, फ्रॉम माइंड, विच मीन्स द सोल, जिसका मतलब होता है हमारी आत्मा। माइंड इज द सम टोटल ऑफ द स्टेट्स ऑफ कॉन्सियसनेस ग्रुप्ड अंडर थॉट। और दिमाग जो है इज सम माने निचोड़ या जोड़ या सबका जो निचोड़ मिलता है उसी को सम कहते हैं, निष्कर्ष। अरे सम यानी जोड़ ही होता है, सम माने जैसे दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो टू एंड टू इक्वल टू फोर, तो ये सम हुआ। सम मीन्स जो उधर का जो, हाँ उनका रिजल्ट जो निकल कर आया वही सम है,
तो यहाँ मतलब वही रिजल्ट से ही है कि माइंड इज द सम टोटल ऑफ द स्टेट्स ऑफ कॉन्सियसनेस ग्रुप अंडर थॉट, यानी विचारों के अधीन रह कर के जो हम अपने अंदर चेतना का विकास करते हैं वही हमारे मस्तिष्क का जोड़ है, योग है। और विल एंड फीलिंग, थॉट ही नहीं, थॉट के साथ जोड़ा विल, विल माने इच्छा, एंड फीलिंग्स यानी भाव, फीलिंग्स यानी भाव, यानी हमारे भाव, हमारे हमारी इच्छाएं और हमारे विचार, यही हमारे मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। बिसाइड्स सेल्फ कॉन्सियसनेस, और आत्म चेतना के अतिरिक्त, वी हैव द पावर टू चूज एंड थिंक, हमें शक्ति प्राप्त होती है चूज एंड थिंक, यानी पावर टू चूज एंड थिंक, यानी हमें ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे हम किसी चीज का चुनाव कर सकते हैं और कोई भी चीज सोच सकते हैं। कृष्णा सेज, कृष्ण कहते हैं, यहां लॉर्ड कृष्णा की बात हो रही है, कृष्णा सेज नो मैन रेस्टेत ए मूमेंट इनएक्टिव, कोई भी आदमी एक भी क्षण इनएक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव यानी निष्क्रिय, हर आदमी हमेशा एक्टिव एक्टिव रहता है मस्तिष्क से, भाई वो सोते समय भी अचानक से उठता है तो बैलेंस करता है, या सोते समय भी वो एक्टिव है, इसका उदाहरण जानते हो, सोते समय आप दौड़ रहे हो सपने में तो आप एक्टिव रहते हैं, उठिए अचानक से नींद खुलती है तो आपकी बॉडी दौड़ रही होती है, या दौड़ते समय जिस तरह की शरीर में कंपन और वो धड़कन होती है वही एक्टिविटी उस समय भी मिलती है, इसका मतलब शरीर परमानेंट एक्टिव रहता है, निष्क्रिय नहीं रहता है। इवन वेन इन एक्टिव ऑन द बॉडीली प्लेन, वी आर ऑल द टाइम एक्टिंग ऑन द थॉट प्लेन, जब हम कभी, वेन इन एक्टिव ऑन द बॉडीली प्लेन, बॉडीली प्लेन माने शारीरिक जहाज से जब हम इनएक्टिव होते हैं तो हम मानसिक जहाज में एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिविटी दो तरह की, एक शारीरिक और एक मानसिक, यानी जैसे ही शारीरिक एक्टिविटी रुकती है तो हम एक्टिव रहते हैं कहाँ, मस्तिष्क में। वी आर ऑल द टाइम एक्टिंग ऑन थॉट प्लेन, हम हमेशा अपने विचार रूपी जहाज में विचार, वो जो है एक्टिंग, कार्य कर रहे होते हैं। देयरफॉर इफ वी ऑब्जर्व आवर सेल्फ, इसीलिए जब हम अपने आप को ढूंढते हैं, वी कैन ईजली मोल्ड आवर थॉट्स, तो हम अपने विचारों को आसानी से मोल्ड कर लेते हैं, मोल्ड यानी एक आकार देते हैं। इफ आवर थॉट्स आर प्योर, यदि हमारे विचार शुद्ध हैं एंड नोबल और श्रेष्ठ हैं, नेचुरली एक्शंस फॉलो द सेम, तो हमारे कार्य भी वैसे ही हो जाते हैं, यानी हमारे कार्य भी मानसिक रूप से यदि शुद्ध हैं आप और श्रेष्ठ हैं तो कार्य कभी बुरा नहीं हो सकता। इफ आवर थॉट्स आर फिल्ड विथ जीलसी, यदि हमारे विचार ईर्ष्या से भरे हैं, हेट्रेड घृणा से भरे हैं, एंड ग्रीड और लालच से भरे हैं, आवर एक्शंस विल बी द सेम, तो हमारा कार्य भी वैसा ही होगा। यानी जो मस्तिष्क, जिस तरह का मस्तिष्क आप डेवलप करेंगे आपका कार्य वैसा ही होगा, यानी आपके अंदर की सारी बातें बाहर झलकती हैं। सी पैसेज पर आइए, थॉट इज मोर डायनामिक देन एक्ट, ये विचार जो है वो कार्यों से अधिक गतिशील होते हैं, विचार तेज चलते हैं, कार्य भाई ये कार्य की तो एक क्षमता है उतना ही कर पाते हैं, लेकिन विचार वो डायनामिक है, बहुत तेज गति करता है। वन मे परफॉर्म ए चैरिटेबल एक्ट, बट इफ ही डज नॉट थिंक चैरिटेबली एंड इज डूइंग द एक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेन एंड ग्लोरी, इट इज हिज थॉट दैट विल डिटरमाइन द रिजल्ट। ध्यान दो, विचार में यदि आप विचार से अच्छे नहीं हैं और दिखावा कर रहे हैं किसका, अच्छे होने का, तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट मिलेगा वो विपरीत मिलेगा आपको। जैसे अभी इसमें उदाहरण दिया कि जैसे आप कोई चैरिटेबल एक्ट कर रहे हैं, चैरिटेबल माने दान, दया दान का कार्य, ठीक है, किसी के ऊपर दया दिखाने का कार्य, चैरिटी फंड होती है ना, तो चैरिटेबल एक्ट कर रहे हैं, लेकिन यदि आप If he does not think charitably, और यदि उसके मन में दया का भाव नहीं है,
दया का कार्य कर रहा है लेकिन मन में दया नहीं है, एंड इज डूइंग द एक्ट, और वो केवल कार्य इसलिए कर रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेन एंड ग्लोरी, ताकि उसे यश कीर्ति और लाभ मिल सके। इट इज हिज थॉट दैट विल डिटरमाइन द रिजल्ट, ये उसके विचार हैं जो रिजल्ट उसको देंगे। डिटरमाइन माने दृढ़ निश्चय करके या निश्चित रूप से जो है उसको उसी के विचारों के हिसाब से ही परिणाम मिलेगा। एवरी थॉट लिप्स ए सीड इन द माइंड ऑफ द थिंकर, क्योंकि प्रत्येक विचार जो होता है सोचने वाले के मस्तिष्क में एक बीज बो देता है। जो विचार आपके मन में आया उसका बीज उसमें डाल दिया गया। और क्या कहा, दीज स्मॉल सीड्स टूगेदर गो टू मेक अप ए लार्ज थॉट, और ये छोटे छोटे जो विचार हैं या छोटे छोटे बीज किसके, विचारों के, जिस टाइप के विचार आप डालेंगे उस टाइप के ये जो छोटे छोटे बीज होंगे ये धीरे धीरे लार्ज होंगे, मेकअप ए लार्ज थॉट सीड, एक बड़े विचारों के बीज तैयार होंगे। जैसे कोई छोटा बीज बोते हैं तो पौधा बनता है ना, वैसे ही विचार रूपी बीज जो चल रहा है वो एक दिन पूरे पौधे के रूप में विकसित होगा। एंड डिटरमाइन वंस कैरेक्टर, और उस व्यक्ति का कैरेक्टर बनाएगा, कैरेक्टर यानी चरित्र। आवर थॉट्स अफेक्ट द होल बॉडी, हमारे विचार पूरे शरीर को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ईच थॉट वंस जनरेटेड बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रेन एंड लाइव्स अपॉन इट्स ओन एनर्जी, प्रत्येक विचार हमारे जो है वंस जनरेटेड यानी किसी के अंदर जो पैदा हुआ विचार होता है वह बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रेन, वो दिमाग का की स्वतंत्रता होती है। एंड लिप्स अपॉन इट्स ओन एनर्जी, और वह अपनी ऊर्जा भी उस पर छोड़ देती है, भाई उससे ऊर्जा जो पैदा होगी वो आपके ऊपर छोड़ के जाएगी। वी कैन अल्टर आवर इन्वायरमेंट टू क्रिएट द मूड, अगला पैसेज, वी कैन अल्टर यानी हम बदल सकते हैं, आवर इन्वायरमेंट यानी वातावरण, टू क्रिएट द मूड अपने मस्तिष्क को बनाने के लिए, या क्रिएट यानी कुछ नई सृष्टि, क्रिएट का मतलब होता है कुछ नया बनाना, यानी कुछ नया बनाने के लिए वो वातावरण बदल देता, बदल सकता है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, यानी हमारे विचार जो हैं वो क्या बदल सकते हैं, वातावरण भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, व्हेन वी आर डिप्रेस्ड, जब हम कभी तनाव में होते हैं, इफ वी सिट बाय आवर सेल्फ, जब हम स्वयं बैठते हैं ट्राइंग टू थिंक चीयरफुल थॉट्स, और आनंदपूर्ण विचारों को सोचने के लिए बैठते हैं, वी ऑफन डू नॉट सक्सीड, तो हम अक्सर सफल नहीं होते। यानी हम डिप्रेस्ड हैं, तनाव में हैं, और हम आनंदपूर्ण विचारों को सोचने के लिए बैठते हैं तो हम सफल नहीं होते। बट लेकिन इफ वी मिक्स विथ पीपल हु आर चीयरफुल, यदि हम ऐसे लोगों के साथ मिक्स करते हैं यानी मिलते हैं, मिलते जुलते हैं जो चीयरफुल हैं, प्रसन्न है, तो वी कैन ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन आवर मूड एंड थॉट्स, तो हम अपने विचारों और अपने मूड में परिवर्तन ला सकते हैं। ये इन्वायरमेंट है, यानी इन्वायरमेंट का प्रभाव हमारे थॉट पर पड़ता है। एवरी थॉट वी थिंक, प्रत्येक विचार जो हम सोचते हैं, एवरी एक्ट वी परफॉर्म, प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं, क्रिएट्स इन अस एन इम्प्रेशन, वह हमारे अंदर एक ऐसा विचार क्रिएट करता है, एंड देन इट स्टार्ट्स रिपीटिंग इन आवर माइंड, फिर ये हमारे दिमाग में रिपीट होना शुरू होता है। यानी जिस तरह का कार्य हम करते हैं या जिस तरह के विचार हम सोचते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और उसी तरह के चीज़ हमारे दिमाग में रिपीट होना शुरू हो जाती है। सो इसीलिए वी एलोन हैव द चॉइस टू क्रिएट आवर थॉट्स, हमारे पास अकेले यह विकल्प है कि हम अपने विचारों को क्या करें, आवर क्रिएट आवर थॉट्स, हम अपने विचारों को पैदा करें, एंड डेवलप, और उनका विकास करें, द काइंड ऑफ इंप्रेशन दैट मेक आवर एक्शन मोर पॉजिटिव, यानी इस तरह का जो है विचार विकसित करें जो एक प्रकार का ऐसा प्रभाव स्थापित करे जो कि मेक आवर एक्शन, हमारे कार्यों को करे मोर पॉजिटिव, अधिक सकारात्मक ढंग से,
यानी ऐसे विचार डेवलप करें हम जिससे कि हमारे कार्य क्या हो, सकारात्मक हो। लेट अस चूज द थॉट ई पैसेज नेक्स्ट देखिए, लेट अस चूज द थॉट सीड सीड्स ऑफ राइट आइडियाज। आइए हम चुने, यहां क्या है, यहां सुझाव दिया जा रहा है, यानी राइटर के द्वारा ये सुझाव है कि लेट अस आओ चुने, चूज द थॉट सीड्स ऑफ राइट आइडियाज, सही विचारों वाले बीज को हम चुने, नोबल श्रेष्ठ विचारों वाले बीज को चुने, करेजियस साहसी विचारधारा को या उसके विचार रूपी बीज को चुने, एस्पायरेशंस और प्रेरणाओं को, ऐसे प्रेरणाओं को चुने दैट विल बी रिसीव्ड बाय माइंड्स ऑफ द सेम नेचर, जो समान स्वभाव के मस्तिष्क के द्वारा रिसीव किया जाए, रिसीव करना यानी प्राप्त किया जाए। राइट इंट्रो इंस्पेक्शन, यहां इस शब्द पर ध्यान दो, राइट इंट्रो इंस्पेक्शन यानी सही आत्मचिंतन या आत्मनिरीक्षण विल बी रिक्वायर्ड ऑफ अस, हमारे द्वारा ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करना या मांग करना, यानी हमारे द्वारा सही प्रकार के जो है आत्मनिरीक्षण की मांग है, टू डिटरमाइंड व्हाट वी रियली डिजायर टू अचीव, और इस बात पर निश्चय करना या दृढ़ रहना व्हाट वी रियली डिजायर, वास्तव में जिस चीज को हम इच्छा करते हैं टू अचीव माने प्राप्त करने के लिए, यानी जिस चीज को हम पाने की इच्छा करते हैं उसके लिए हमें डिटरमाइंड होकर के आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मच इंटर रिलेटेड, इस ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी इस संसार की सभी चीजें क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटर रिलेटेड, एंड बाय एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स ब्रदर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और पूरे सार्वभौमिक भाईचारे के सिद्धांत को स्वीकार करके, वी शैल बी इन ए पोजिशन टू एप्रिसिएट, हम एक ऐसे पोजिशन में होंगे जहां से हम अप्रिसिएट कर सकते हैं, अप्रिसिएट माने प्रशंसा कर सकेंगे, वी शैल बी इन ए पोजिशन टू एप्रिसिएट व्हाट ए हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एवर आवर्स टू थिंक राइट, यानी हम ये इस पोजिशन में होंगे, प्रशंसा करने के इस पोजीशन में होंगे कि कौन सी चीज इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व है जो हमारे सोचने के लिए उपयुक्त है, राइट है, सही है। लेट अस रिफ्लेक्ट एंड सेंड लविंग एंड हेल्पफुल थॉट्स एंड लाइटन द लोड ऑफ द वर्ल्ड्स सफरिंग, लेट अस आओ रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट माने नहीं चिंतन करें, रिफ्लेक्ट यानी प्रतिबिंबित करें, अपने दिमाग में हम उसका एक चित्र अंकित करें, एंड सेंड लविंग एंड हेल्पफुल थॉट्स, और अपने अंदर लोगों के सहयोगी और लविंग यानी प्रेम से भरे हुए, लेट अस रिफ्लेक्ट एंड सेंड लविंग एंड हेल्पफुल थॉट्स एंड लाइटन द लोड ऑफ द वर्ल्ड्स सफरिंग, यानी आइए हम रिफ्लेक्ट करें, यानी अपने दिमाग में प्रतिबिंब बनाएं, और सेंड लविंग एंड हेल्पफुल थॉट, अपने अंदर प्रेम से भरे हुए और हेल्पफुल यानी सहायतापूर्ण विचारों को भरें, एंड लाइटन, लाइटन माने प्रकाशित करें द लोड ऑफ द वर्ल्ड सफरिंग, संसार के जो कष्ट हैं उनके लोड को, भार को हम प्रकाशित करें। ये आपका पैसेज कंप्लीट हो गया हमको लगता है, ई तक है इसमें। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन है हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल, हम अपने जीवन को कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं, तो हम अपने जीवन को मीनिंगफुल बना सकते हैं हम अपने विचारों को सुधार करके, ठीक है, टू माइंड आवर थॉट्स, यही में जोड़ देना है, यानी वी कैन मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल टू माइंड आवर थॉट्स,
हम अपने विचारों पर ध्यान रख करके अपने विचारों को जीवन के प्रति मीनिंगफुल बना सकते हैं, अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इसने क्या लिखा है इसको भी देखो, वी कैन मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर ओन थॉट्स एंड डेवलपिंग द काइंड ऑफ इंप्रेशन दैट कैन मेक आवर एक्शन पॉजिटिव। इसने पूरा सेंस ले लिया, ये अच्छा प्रभावकारी सेंटेंस बना कि हम अपने जीवन को मीनिंगफुल बना सकते हैं बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर ओन थॉट्स एंड डेवलपिंग द काइंड ऑफ इंप्रेशन दैट कैन मेक आवर एक्शन पॉजिटिव। यानी जो हमारे एक्शन यानी कार्यों को सकारात्मक बना सकते हैं, ऐसे विचारों को या ऐसे इंप्रेशन को डेवलप करके, ऐसे विचारों को डेवलप करके हम अपने जीवन को मीनिंगफुल बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डज कृष्णा से नो मैन रेस्टेड ए मूवमेंट एक्टिव, क्यों कहा ऐसा, कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? तो कृष्णा सेज सो बिकॉज मैन ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव इवन व्हेन इनएक्टिव ऑन द बॉडली प्लेन ही इज ऑल द टाइम एक्टिव ऑन द थॉट प्लेन। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि कृष्ण ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हमेशा क्या रहता है, एक्टिव रहता है, यद्यपि यदि वो बॉडी से एक्टिव नहीं रहता तो वो मस्तिष्क से एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आवर थॉट्स इफेक्ट द होल बॉडी, कैसे हमारे विचार पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं? तो ईच थॉट लीव्स ए सीड ऑन द माइंड ऑफ द थिंकर। यानी प्रत्येक विचार जो होते हैं वो सोचने वाले के मस्तिष्क पर एक बीज छोड़ देते हैं। दीज स्मॉल सीड्स टुगेदर मेक अप ए लार्ज थॉट सीड, और ये जो छोटे छोटे बीज हैं ये एक बड़े बड़े थॉट के रूप में डेवलप होते हैं। विच डिटरमाइंस वन सेवरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर जो किसी के सामान्य चरित्र का निर्माण करते हैं। दस इस प्रकार आवर थॉट्स इफेक्ट द होल बॉडी, हमारे विचार हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। हाउ कैन वी चेंज आवर मूड व्हेन वी आर डिप्रेस्ड, जब हम तनाव में होते हैं तो हम कैसे अपने जो है मूड को चेंज कर सकते हैं? तो वी कैन चेंज आवर मूड बाय मिक्सिंग विद पीपल हु आर चीयरफुल। हम अपने विचारों को जो है चीयरफुल लोगों के साथ यानी प्रसन्न व्यक्तियों के या प्रसन्न चित्त व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने डिप्रेस्ड विचारों से भी उबर सकते हैं या उसके मूड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड इफेक्ट, अपने इच्छित प्रभाव को हम कैसे ला सकते हैं? तो वी कैन ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड इफेक्ट थ्रू राइट इंट्रो इंस्पेक्शन, यानी सही आंतरिक निरीक्षण या मूल्यांकन के द्वारा ही हम अपने इच्छित प्रभाव को पा सकते हैं। यानी इच्छित प्रभाव मतलब क्या, यानी हमारे मन में कुछ पाने की इच्छा है तो उसको हम तभी पा सकते हैं जब हम अपना आत्म परीक्षण करेंगे, ठीक है। फिर कहा इसने, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग, फुल ऑफ एक्टिविटी से संबंधित कोई वर्ड आया है जिसको फुल ऑफ एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता से भरा हुआ, उसी को कहते हैं डायनामिक, क्या कहते हैं, ऊर्जावान। दूसरा कहा, कमिंग अगेन एंड अगेन, बार बार कोई भी चीज आए तो उसको क्या कहते हैं, रिपीटिंग। फिर अगला है, टू लुक इनटू वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपने विचारों और अपने भावनाओं को की जांच पड़ताल करने को क्या कहते हैं, इंट्रो इंस्पेक्शन, आत्म परीक्षण, यही है पैसेज।